अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। मैंने बनाई, मैंने कहा आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। ये मैंने बनाई है सब्ज़ी। मैंने इस पर जस्ट देसी में मैंने डाला लहसुन अदरक, कोई फ्राई नहीं किया, और मैंने इसमें डाला हरा प्याज, सोए, धनिया, टिंडे, शिमला मिर्च, टमाटर। मैंने क्या किया कि इसको सिर्फ जस्ट तेज़की में डाला, उसी में घी डाला, उसी में नमक मिर्च डाला, कोई फ्राई नहीं किया, कोई प्याज नहीं डाला। तो ये बहुत मज़े की झटपट सब्ज़ी तैयार हो गई है। मैंने इसको किसी चीज़ को भी फ्राई नहीं किया, सब चीज़ें ये फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने जस्ट तेज़की में डाली। उसी के ऊपर मैंने लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाली और अदरक डाल दिया। फिर मैंने टमाटर जो थे ना फ्रीज़ हुए हुए थे, मैंने पूरे पूरे टमाटर डाल दिए, कोई तोड़ के नहीं डाले। और ये इतनी मज़े की सब्ज़ी तैयार हुई है ना, कोई प्याज फ्राई ब्राउन नहीं करना पड़ा, कोई प्याज नहीं डाला, कुछ भी नहीं। ये जस्ट सिंपल सी मैंने बनाई है। आप लोग भी ज़रूर इसको बना के, टाइम नहीं हो बनाइएगा, जब टाइम नहीं होता ना बंदे के पास तो ये झटपट तैयार हो जाती है। फिर मेरे पास ये था कि दो मेरे पास कबाब पड़े हुए थे फ्रीजर में, उसमें आलू और चिकन वाले कबाब थे। तो जब मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई, बन गई, तो उसके बाद ना एंड पे मैंने वो भी इसमें ऐड करके मिक्स कर दिए। तो इतनी मज़े की सब्ज़ी बनी है ना, बताते हुए तो वो नहीं बात, लेकिन जब जब बंदा खा के देखता है ना तब भी उसे समझ आती है कि कितनी टेस्टी बनी हुई है। तो रियली बहुत अच्छी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने प्यारों को बना कर दीजिएगा। जब आप लोगों के पास टाइम नहीं होता तो झटपट में ये तैयार हो जाती है। और आप लोग सब्जियां, धनिया, बस ये मतलब जो भी सब्जियां होती है ना, आप लाके उनको काट के धो के प्लास्टिक बैग में डाल के आप उनको कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और जब बंदे के पास टाइम नहीं होता तो वो झटपट वो चीज़ें उठाई और उसमें डाली और बना ली। टाइम कभी कभी नहीं होता ना बंदे पास, और कभी दिल भी नहीं कर रहा होता कि आज कुकिंग करने का ना, तो फिर बंदा ये बहुत आसानी से यही बना सकते हैं। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे भी दवाओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।